गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है शनिवार, निकल रहे हैं फिर एक राइड पर। बहुत टाइम बाद, 2 महीने के बाद कम से कम, क्योंकि बीच में मोटोरामा जो इवेंट बाइक फेस्टिवल था वो उसकी तैयारी में लगे हुए थे, वो ख़त्म करा दी 18 और 19 मार्च को। तो अब निकल रहे हैं नैनीताल की तरफ। तो अब की बार दिखाएंगे आपको नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर की नई जगहें, और इस बार हम करेंगे कैंपिंग। तो बाइक हम मेरी रेडी है और स्लीपिंग बैग, टेंट सब रेडी है, तो चलते हैं, अब दिखाएंगे आपको नए नए नजारे। A few hours later. अब तो आ रहा सदा सा रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सदा सा रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। तो अब हम घुस गए हैं टेंट में, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है और ओले भी पड़े हैं अभी। तो अब देखते हैं, खाना बन नहीं पाया है, लेट्स सी कि भूखे सोएंगे या खाना मिलेगा, क्योंकि बारिश है। अगर बारिश नहीं रुकी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पीछे पहाड़ी है, स्लोप है, और उससे जब पानी बह के आएगा तेज़ स्पीड से तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। देखो जी, चाय आ गई है, बारिश रुक गई है, अब तो अब खाना बनाएंगे। अब हम जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने। क्योंकि लकड़ी जलेगी तो खाना पकेगा, खाना पकेगा तो पेट में कुछ जाएगा। हाँ, तो इसी को ले चलें। तो हमारे पास कुल्हाड़ी है नहीं, तो लकड़ी ढूंढना इज अ चैलेंज। घनघोर जंगल है, बिल्कुल गुप अंधेरा। अगर मैं घुमाता हूँ कैमरा, देखो बिल्कुल गुप अंधेरा है। देखो ये पहाड़ों में दरारें हैं, कितनी गहरी दरार है, ये देखो, ये भी दरार है, ये रही, वो देखो कितनी गहरी दरार है। ये जो डिफरेंस है हाइक और ट्रैक में, मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे खुद पता चला। तो हाइक वो होती है जो आप विद इन द सिटी रेंज के नज़दीक होती है, और जो एक दिन की होती है वो हाइक होती है। मल्टीपल डेज की भी होती है, पर जो जो सिटी से नज़दीक हो, जहाँ से आपको सर्विस जल्दी मिल जाए, वो हाइक होती है। बन रहा है हमारा मिक्स वेज, वेजिटेबल है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है भाई। ये बता दूं कि मैं ट्रैवल इतना करा है, ये बच्चे बड़ी यंग एज से ट्रैवल कर रहे हैं और एडवेंचर कर रहे हैं, तो बहुत दूर जाएंगे। तो हम तो स्टोन एज में पैदा हुए हुए हैं, तो लेकिन ये अभी से यंग एज में एडवेंचर कर रहे हैं, तो आनंद ले रहे हैं जिंदगी का पूरा। ये सर एक बात तो ये सर, लाइफ में एडवेंचर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, आप तो हमसे बड़े हैं, तो आप में आपको बहुत है, आप तो भी 60 के हैं। मैं तो आपको तो मैं 81-82 में स्कूल मोटरसाइकिल से जाता था, 55,000 किलोमीटर स्कूल में मोटरसाइकिल चला दी। और इतना ट्रैवल करा है, अभी तो ऊपर जाएंगे तो वो कहेगा तुमने देखा ही क्या है, 1% भी नहीं देखा है। अब हो रहा है हमारा डिनर सर के साथ। सर कैसा लग रहा टेस्ट? बढ़िया, थोड़ी मिर्ची ज्यादा है। जंगल में मंगल। राणा जी बताओ कैसा बना? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू भाई। कबीरा ब्रो, थैंक यू आपको, सब कुछ अरेंज करने के लिए, आपको मैनेज करने के लिए। कोई नहीं यार, आप ज्वाइन किया आपके पास लिमिटेड टाइम है। अरे कैसी बात, अरे कबीरा ब्रो आप इतना प्यार से सब कुछ करें तो हम कोई बात ही नहीं होता। हमारे बबलू भाई बताओ कैसा? एकदम लाजवाब सर के साथ, और मजा आ रहा है आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रात को
थोड़ा थोड़ा बारिश आती रही और इस समय तो बारिश नहीं है लगता है। देखते हैं, दिखाते हैं आपको बाहर जाके। तो दोस्तों, आई राइड रिस्पॉन्सिबली के बहुत सारी टैगलाइंस के तहत एक टैगलाइन है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जिसके अंदर जहां भी आप जाएं जंगलों को पॉल्यूशन ना करें, अपना कचरा अपने साथ लेकर जाएं। तो उसी के तहत हम रात को, हमने ये 5 कैंप लगाए थे, हम 10-12 लोग हैं, हमने रात को खूब खाना वाना कचरा खूब प्रोड्यूस करा है और वो कचरा अब हम सब वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आप सबसे भी ये हिदायत है कि अपना कचरा ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, जंगलों को खराब ना करें। लेते कहाँ गए भाई? जब हम चले थे नैनीताल से भवाली के लिए, भवाली से 7 जाना था, रात को कैंपिंग करनी थी 7, रास्ते में 5 किलोमीटर चलने के बाद ही हम रुक गए हैं शेड में। दिखाते हैं क्यों। ये देखिए, ओले पड़ रहे हैं, ये खड़ी हमारी बाइक, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो कट 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 कट, ये देखिए बाइक के ऊपर ओले, और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो गई है। तो अब प्लान कैंसल, अब बस थोड़ी सी हल्की होते ही निकलेंगे दिल्ली के लिए और ये लोग निकलेंगे रुद्रपुर के लिए। तो टाटा बाय बाय, सायोनारा अगले ट्रिप तक के लिए।